मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 70 साल की महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। महिला ने गांव के दबंग पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और पीड़िता ने एसपी जालौन से लगाई है न्याय की गुहार। तो पीड़िता ने एसपी जालौन से न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने गांव के दबंग पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, तो महिला ने गांव के ही दबंग पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीड़िता ने एसपी जालौन से लगाई न्याय की गुहार। तो पीड़िता ने एसपी जालौन से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें जालौन से, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, 70 साल की महिला से दरिंदगी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 70 साल की महिला से दरिंदगी का ये पूरा मामला, महिला ने गांव के दबंग पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। तो महिला ने गांव के ही दबंग पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और पीड़िता ने एसपी जालौन से न्याय की गुहार लगाई है। तो पीड़िता ने एसपी जालौन से लगाई न्याय की गुहार। जालौन से खबर है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता माजिद जुड़ चुके हैं जालौन से। माजिद, 70 साल की महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है महिला ने, लेकिन क्या एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया? माजिद, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो माजिद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें जालौन से, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 70 साल की महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। तो 70 साल की महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीड़िता ने एसपी जालौन से न्याय की गुहार लगाई है। तो पीड़िता ने एसपी जालौन से न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला ने गांव के दबंग पर ही आरोप लगाया है। जालौन से खबर है, पीड़िता ने एसपी जालौन से भी न्याय की गुहार लगाई है। तो पीड़िता ने एसपी जालौन से न्याय की गुहार लगाई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता माजिद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। माजिद, आवाज आ रही है आप तक? जी माजद, यहाँ पर 70 साल की एक महिला ने दरिंदगी का मामला जो है वो सामने लेकर आई हैं। बताया है कि गांव के ही एक दबंग पर उनकी ओर से आरोप लगाया गया। पुलिस ने फिलहाल क्या एक्शन लिया है पूरे मामले पर? जी बता दें कि पीड़ित परिवार ने जाके एसपी से गुहार लगाई है। हालांकि एडिशनल एसपी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया है कि पहले इसकी जांच करी जाएगी कि मामला क्या है। कहीं ऐसा नहीं कि आरोप गलत लगाया जा रहा हो सकता है कि किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन पुलिस ने ताबड़ तोड़ तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए, हालांकि दो पुलिस वाले और पूरी जो है जांच टीम उसके लिए लगा दी है और कहा कि जिस तरीके से ये मामला बताया जा रहा है कहीं संदिग्ध न हो, और जिस तरीके से महिला ने जो आके यहाँ पे फील्ड में रोज आकर जो एसपी से शिकायत की है, तो कहीं ना कहीं कुछ मामला इसमें है जरूर, जिसको जो उसने जो है कि पूरे परिवार के साथ यहाँ पे शिकायत की है। अब देखना ये होगा कि इसकी पीड़ित की जब मेडिकल जांच होगी, वापसी आएगी, तब ये पता चलेगा कि इस मामले में क्या सच्चाई है। जी बिल्कुल, यानी पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। बहुत शुक्रिया माजिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीड़िता ने एसपी जालौन से न्याय की गुहार लगाई है। तो पीड़िता की ओर से एसपी जालौन से न्याय की गुहार लगाई गई है।